नमस्कार, मैं हिमांशु शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का पहला इंटरैक्टिव मोबाइल न्यूज चैनल अमर उजाला टीवी। हमारे साथ इस वक्त हैं जनरल मेहता, जो हंस फाउंडेशन के सीईओ हैं। सर, आपका स्वागत है अमर उजाला पर। थैंक यू। सर, पहले तो ये बताइए कि ये जो इंटेंसिव केयर यूनिट बनाई गई है, कितनी खुशी है आपको? हमें बहुत खुशी है क्योंकि उत्तराखंड में ये पहली इंटेंसिव केयर यूनिट जो है बनाई गई है और इस स्तर की बनाई गई है, जो कि किसी भी वर्ल्ड में इंटेंसिव केयर यूनिट के बराबर है। और वो हमने इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे बनाया है और ऐसे दूर इलाके में जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलता है पिथौरागढ़, यहाँ पे ये चीज़ क्रिएट करना बहुत मुश्किल था और रिकॉर्ड टाइम में हमने 2 महीने के अंदर ये क्रिएट किया है। इसके लिए हमें बहुत खुशी है और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि यहाँ के लोगों को बहुत दूर अपनी जो ज़रूरतें थी मेडिकल की, जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते थे लोग, उनको हल्द्वानी या देहरादून जाना पड़ता था और जबकि वो इस हालत में नहीं होते थे कि उनको वहाँ ले जाना पड़े, अब उनकी ज़रूरतें यहीं पे पूरी की जाएंगी और यहीं पे उनका इलाज किया जाएगा और उनकी जो जितनी भी मुश्किलात हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इससे हमें बहुत खुशी है कि हमने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह जी का सपना था कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें एक आईसीयू यूनिट बनाई जाए और उन्होंने कार्य जो है हंस फाउंडेशन को दिया कि आप 3 पहले आईसीयू जो है क्रिएट करें और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है बाकी 10 में वो काम करेगी। तो ये एक शुरुआत है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है और हमें गर्व है कि हंस फाउंडेशन ने ये पहल की और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको हमने आगे बढ़ाया। आपका पहला प्रोजेक्ट जो है पिथौरागढ़ में था, दो और कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अभी आपने बात की है? अभी जो दो हैं वो एक तो हम उत्तरकाशी में बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है, लोग जो उसके लिए पूरे देश से आते हैं। तो वहाँ पे पिछले साल भी जैसे कि मुख्यमंत्री साहब ने बताया कि 25 लोगों का हार्ट अटैक से यात्रा के दौरान देहांत हो गया क्योंकि वहाँ पे आसपास में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो वहाँ पे अब नेक्स्ट जो है हम वहीं पे काम करना शुरू करेंगे ताकि यात्रियों को भी वो सुविधा हो, वहाँ के लोगों को भी वो सुविधा हो। और दूसरा जो है हम चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयू बनाने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट सरकार के साथ मिलकर था आप लोग का, और फ्यूचर प्लान्स क्या है उत्तराखंड के लिए हंस फाउंडेशन की अगर बात करें तो? अभी जो है एक जो पिछड़ा हुआ इलाका है जैसे टेढ़ी गढ़वाल है, उसमें श्रीनगर का एक इलाका, श्रीनगर करके इलाका है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल हॉस्पिटल है और वहाँ पे बहुत संख्या में जो पूर्व सैनिक हैं रिटायर होके वहाँ पे भी बसे हुए हैं। वहाँ पे हमारे आर्मी चीफ का भी इंटरेस्ट है कि वहाँ पे अगर उस हॉस्पिटल को मॉडर्न किया जाए, वहाँ की सुविधाएं जो हैं उनको ठीक किया जाए तो आर्मी भी उसमें योगदान दे सकती है। और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए बहुत ये सुविधाएं ज़रूरी हैं क्योंकि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा जो है प्रोग्राम वहाँ पे होगा, हम उस हॉस्पिटल को अंडरटेक कर रहे हैं, उसको हम सारी सुविधाओं को उसमें जो नहीं काम कर रही हैं या जो उनको नई मशीनें चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हमने जो है 2 मेमोग्राफी वैन दी हैं आज उत्तराखंड सरकार को, जो कि पहल है, ये भी एक पहल है उत्तराखंड में, जो कि लेडीज़ के लिए उनका ब्रेस्ट कैंसर या उनका जो अंदर का पूरा जो सिस्टम है उसको चेक करने के लिए ये मोबाइल वैन्स जो हैं वो गाँव-गाँव में जाके, कस्बों में जाके वो देखेंगी ताकि उनका इलाज ठीक टाइम पे हो सके। और इसके अलावा हमने जो है 9 मेडिकल मोबाइल वैन्स दी हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को, आज ही हमने फ्लैग ऑफ की हैं। ये भी गांव में जाके जो है लोगों का इलाज करेंगी। इससे पहले हमारी 12 मेडिकल मोबाइल वैन ऑलरेडी सरकार के साथ काम कर रही हैं, उसको भी हंस फाउंडेशन ही फंड कर रही है। और इन सारे चीज़ों के पीछे हमारे जो चेयरपर्सन हैं श्वेता जी हैं, उनका एक विजन है कि हम उत्तराखंड में ऐसी चीज़ों को लाएँ। अगर ये हम सुविधाएं मोबाइल वैन्स के थ्रू उन तक पहुंचा सकें, इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि वैन्स हो गई, सारे इक्विपमेंट्स हो गए, सारी चीज़ें, पर जैसे गांव में ये क्या वैन्स प्रॉपर जाएंगी या सिर्फ कॉल पे ही जाएंगी? नहीं, ये इनका एक रूट होता है जो कि हम सरकार के साथ मिल के बनाते हैं। सरकार अपने भी स्पेशलिस्ट वैन में भेजती है, हमारा स्टाफ तो रहता ही है
और वहाँ पे कैंप लगाते हैं गांव में जाके। ये कैंप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या हेल्थ चेकअप्स के कुछ चार्जेस होते हैं? ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसमें हम मेडिसिन का कुछ चार्ज नहीं करते हैं। इसमें 29 जो है ब्लड टेस्ट मोबाइल, इसमें लैब भी होती है, वो भी हम उसमें करते हैं, वो भी फ्री होता है। ये टोटली फ्री सेवा है। ओके सर, शुक्रिया बात करने के लिए अमर उजाला से। कैमरामैन दीपक के साथ हिमांशु शुक्ला, अमर उजाला टीवी, उत्तराखंड। थैंक यू।